जी, अब्दुल भाई आवाज जी जी आ रही हेलो है? जी आ रहा है और सर मोमिन है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी जी पढ़ते हैं। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे, आयतुल कुर्सी क्यों? बता दो चले, आपको आता है कुछ या नहीं आता है? जी जी बिल्कुल सुना रहे। बिस्मिल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल अय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ध वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। हो गए जी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे आप? टॉपिक? तो मैंने मतलब देखा नहीं, मैं डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। बताइए आप, बताइए टॉपिक क्या है आपका। पहले थैयुल, इनसे आसान वाली बात करते हैं। थैयुल कल्बी और मोहम्मद साहब का क्या चक्कर था यार? किसका? थैयुल कल्बी और मोहम्मद का? आप बताइए क्या संपर्क था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मुसलमान आप हैं, मैं लव स्टोरी दिखा रहा हूँ कि मोहम्मद और दहियुल कलबी के दरमियान कोई संबंध थे? अच्छा, जी जी बिल्कुल था। दहियतुल कल्बी उस वक्त तो काफिर था ना, जब अल्लाह के रसूल के पास आके जब उन्होंने अब शहादा दिया, कलमा पाठ किया, उसके बाद तो मतलब हो गए संबंध, क्यों नहीं कहाँ पे होगा। कलमा पाठ किया उन्होंने, जरा दिखाएंगे मुझे? कलमा जी पाठ किया? वो तो मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं आपको तो आपको कैसे दिखाऊंगा। पता कि उसने कलमा पाठ किया मोहम्मद के पास आके? मैंने एक किताब में पढ़ा था, कौन सी किताब, क्या नाम था उस किताब का? वो किताब का अल अदाबुल मुफराद या ऐसा कुछ था शायद, मुझे अल याद अदब नहीं अल है। पता मुफरद, अदब अल मुफरद में तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई कलमा पाठ करने की। नहीं, मैंने ऐसी किताब में पढ़ी है, किताब मेरे घर पे ऐसे है, मैं ऐसे आपको किताब का निकाल नाम के ले लो, ऐसी दिखाऊंगा। किसी भी किताब का नाम ले लो। हैं, वो तो ये मोहम्मद के पास के घर आपने में आया बैठा होता था जिस वक्त, तो फिर उसकी बीवी आती थी मोहम्मद के पास। घर में क्या करता था वो अक्सर? कोई और बंदा तो मोहम्मद के घर में नहीं घुस सकता। दहियुल कल्बी कैसे घुस जाता था? क्या मोहम्मद के घर में, जो उसकी बीवियों के घर है, मोहम्मद के 13 हुजरे, हर हुजरे में एक एक बीवी थी, क्या मोहम्मद के घर के हुजरे में कोई भी बंदा जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है भाई, जा तो सकता है ना, इंसान के घर तो इंसान जा सकता है, इसमें मतलब ऐतराज करने वाली कौन सी बात है। तुम्हारे घर के जनान तो खाने में कोई भी मर्द जा सकता? जी आ सकता है, हमारे घर में आते भी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो मर्द कोई गलत मतलब गलत इरादा लेके आता है। यार आप असल लोग में तो गलत पासा पाकिस्तानी फैला रहे बंदा हैं, नहीं है देखो ना, मतलब ये मसला खराब हो गया। इंडिया ना, यहाँ पे औरतों के दरमियान ये लोग बैठते पाकिस्तानी, उठते हैं। अगर आप इंडिया में होते ना, आपको जूते से मार मार के निकाल देता इंडिया से। शुक्र अरे है कि भाई, आप कहते जूती हो। से आप लोग मारने की, आपकी देखो भाई, बात देखो सुनिए। देखो देखो, देखो बात सुनो, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद सुनो, जूती से तुम्हारे मारने की औकात नहीं है। तुम 10 दफा बड़े भी हो जाओ ना पैदा होके, तो तुम एक जूती मार सकते हैं मुझे, क्योंकि जो जूती तुम्हारे हाथ में होगी ना, वो तुम्हारे ही हाथ से लेके तुम्हारी बुंड में डाल दूंगा मैं। भागे क्यों उस साले, बहन का लोड़ा, गैरत। रशीद शेख, माइक और कैमरे को परमिशन दे, तमीज से बात नहीं करती, आनी आती बगैर इनको तुम्हारे। असल में शराफत पसंद ही नहीं है भड़वों को। ये गाली सुनना जो है ना, इनकी मुकद्दर में, इनके नसीब में लिखा हुआ है। अच्छे से बात करना इनको पसंद ही नहीं है। ये चाहते हैं कि 10 गाली दे एडम, तब जाके सुकून मिलेगा इनके कान को, इनके कल्ब को। रशीद शेख, माइक और कैमरे को परमिशन दें। जी मिस्टर इस्माइल खान, इस्माइल खान भाग गए। मिस्टर मुसलमान, मिस्टर साहिल, तेरे पास से घंटियां आ रही हैं, बेलें आ रही हैं, कहां पे बैठा है? खिड़की खुली लगती तेरी। मिस्टर मुस्लिम, अनम्यूट कर। मुस्लिम, निकाल रहा हूं तुझे, जब बात करनी होगी तब आना। मिस्टर नोमान, हेलो, मिस्टर नोमान, जी मादर जनाब, चोद बहन चोद। वो तेरा मोहम्मद था साले, जा उसको जाके बोल। ओके, मिस्टर रशीद शेख, अपने माइक और कैमरे को परमिशन दें। चंदन भाई, चंदन, इनका नाम चंदन है जी? चंदन साहब, मुसलमान है आप तो, है ना? कब पलटा मारा आपने?
चंदन साहब पलटा कब मारा है? चंदन बोल ना यार, पलटा कब मारा है? चल बैन हो गया तू। मिस्टर सोहेल हाँ भाई, सुहेल बोल। हेलो बाबा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान है आप? नहीं, मैं यही बताने के लिए आया था यार, मेरा नाम रख दिया। ऑल राइट, देखिए टॉपिक इतना खतरनाक है साहिल, हिम्मत नहीं होती। हिम्मत होनी बहुत मुश्किल है लोगों की सिवाय गालियां देने के, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड। ये देखिए सर, उसके बाद इब्राहिम की बर्थ होती है। मैंने कहा था इब्राहिम की सवा साल की उम्र में डेथ हो गई थी। साल की उम्र के करीब आयशा के पास गया था। इन केस दौल हिज्जा 8th ईयर मारिया गिव्स बर्थ टू प्रॉफिट सन इब्राहिम, एंड ऑफ कोर्स द प्रॉफिट वाज वेरी हैप्पी। वी डोंट नो व्हेन मारिया एम्ब्रेस्ड इस्लाम। मारिया ने कभी इस्लाम कबूल लिया था? वाज इट बिफोर और आफ्टर? वी डोंट नो। वन अज्यूम लिविंग विद प्रॉफिट ऑब्वियसली यू एम्ब्रेस इस्लाम। ठीक है, तो मुंह से तो आप कह दोगे वरना आपको मारे जाएगा। सो वन कैन अज्यूम बाय द टाइम इब्राहिम इज बोर्न मारिया इज अ डिफरेंट पर्सन विद ईमान। किसी को नहीं पता कि मारिया ने इस्लाम कबूल किया था। वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो मुसलमान हो गई होगी। इन सही मुस्लिम इट इज रिपोर्टेड प्रॉफिट केम टू मस्जिद बीइंग विद जॉय, लास्ट नाइट अ बेबी वाज बोर्न टू मी एंड आई शैल कॉल हिम द नेम इब्राहिम। ठीक है, और अभी भी वो उम्मुल वलद थी, अभी भी मारिया मोहम्मद की बीवियों में शामिल नहीं हुई, स्लेव ही है। ये हालत थी मोहम्मद की, उसने उसको कभी भी अपनी बीवी नहीं बनाया। और ये सारी ट्रांसलेशन है डिफरेंट चीजों की जो कि आपको यासिर कादी दे रहा है, एक पीएचडी मुफ्ती मौलाना, टीचर्स का टीचर्स, जो कि अमेरिका में टीच करता है टेक्सस यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक शरा। आपने अगर पीएचडी करनी है टेक्सस अमेरिका के अंदर तो आप यासिर कादी से पढ़ेंगे। कैन नॉट बी सोल्ड। तो कह रहा जी अब वो कॉन्क्यूबाइन नहीं रही है, वो उम्मुल वलद हो गई है, तो वो सोल्ड ट्रांसफर नहीं हो सकती। हालांकि हमारे पास हदीसें हैं कि उम्मुल वलद को भी बेचा जाता था। एनीहाउ, डेथ ऑफ इब्राहिम। इब्राहिम लिव्ड फॉर अ ईयर एंड फोर मंथ्स, मेजोरिटी के अंदर एक साल चार महीने है। Other reports says a year and a 6 month, and to the best of our knowledge, there is no hadith mentioning any incident within this year and a half regarding Ibrahim. डेढ़ साल में कोई incident नहीं हुआ इब्राहिम का, लेकिन अचानक कैसे हो गया बताऊंगा आपको। सवा साल की उम्र में most tender और cute होता है। The death of Ibrahim was reported to Muhammad, including Sahih Bukhari, Sahih Muslim दोनों में लिखा हुआ है। इब्राहिम sick हुआ and was about to die, so किसी ने inform किया मोहम्मद को। मोहम्मद मदीना में था, lived in a place of मदीना called Al Avili. Some of the Sahaba went to see Ibrahim with him, and he held Ibrahim in his hand, and Ibrahim was wheezing and coughing. You could tell that the pangs of death had begun. So at this, the tear of Muhammad came out. End of discussion. इस तरीके से मोहम्मद मरा, sorry, इब्राहिम मरा। This is how he died. That's it. क्या रह जाता पीछे? आप मुझे ये बताते हो कि इब्राहिम, मैं आपको दिखाता हूं एक सेकेंड, रुक जाए रुक जाए, यहां से हम सीधा बुक पे चलते हैं। लाइफ ऑफ मोहम्मद, ठीक है, पेज नंबर 458, मल्टीपल जगह से दिखाऊंगा, एक जगह से नहीं मल्टीपल जगह से। इट वॉज नेचुरल दैट दिस चेंज वुड इनसाइड लिटिल जेलसी अमंग अदर वाइव्स हू कंटिन्यू टू बी बैरन। तमाम बीवियां बैरन थी। It was also natural that prophet esteem, affection for the newborn child, mother increased, jealousy increased, Muhammad had, وغیرہ وغیرہ, Salman وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پہ کیا ہے جناب, Aisha looked at the baby and she said that she saw no resemblance at all. Aisha بولتی ہے کہ یا محمد تجھ میں اور اس بچے میں
कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। तुझ में और इस बच्चे में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। उसके बाद बच्चा मर जाता है, उसके बाद अचानक बच्चा मर जाता है। क्या गेम चल रही है भाई? ये गेम क्या चल रही है? उसमें भी इनकी फिर जलेबी रहती है, वो इस वजह से मर गया ताकि फिर वो नबूवत का कोई सीन ना रहे। अरे जब नबूवत का सीन ही नहीं रखना था तो लड़का दिया ही क्यों भाई? लड़का दे के मारने में क्या सेंस बनता है? और वो भी दिया किससे? हाँ, एक गुलाम से। तेरा तेरा बीवियां और दिया किससे? गुलाम से। क्यों भाई? क्यों? एनीहाउ यार, ये गायत्री सिंह क्यों आ रही है यार? ये कल भी तेरे चैनल पे आई थी। हाँ गायत्री सिंह, क्या प्रॉब्लम है जी आपको? खुद ही चली गई है। आरजे आरजे अनम्यूट करो भाई, अगर बोलना है तो। अगर आए हो तो बोलना है तो अनम्यूट करो, नहीं तो क्या फायदा आने का भाई? अरे अनम्यूट कर भाई आरजे। ओके चला गया। ये देखिए जनाब, आपको अल्ताबकात इब्ने साद का रेफरेंस देते हैं, और ये कौन दे रहे हैं? ये आपको, ये देखें एक और रेफरेंस दिखाते हैं। अल्तबकात इब्ने साद में है, आयशा सेड व्हेन इब्राहिम वाज बोर्न द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ब्रॉट हिम टू मी एंड सेड लुक हाउ मच रिजेंबल्स ही मी एंड आयशा सेड आई डू नॉट सी एनी रिजेंबलेंस। मैं तो कोई रिजेंबलेंस देख नहीं रही। ये तबकात इब्ने साद वॉल्यूम 1 पेज 37। जी मिस्टर सुहेल साहब। भाई मुझे बस यही कहना था कि आप बहुत सही काम कर रहे हो यार, कीप इट अप। और ओके थैंक यू सो मच। मंडे को आप नहीं जुड़ सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट, तबकात के अंदर इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। इसमें देखो कि ये हमारी अम्मी आयशा बड़ी जबरदस्त थी यार। आई लाइक हर कैरेक्टर, रियली लाइक हर कैरेक्टर। वो रसूलुल्लाह जो है ना, वो तो उसको ठंडा नहीं कर सकते थे, उसको चुप नहीं करा सकते थे। यहाँ पे देखिए आप, अगर ये पढ़े आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह आते और कहते हैं, और सोचो ये ऐसी बात हो गई कि मुंह पे तमाचा मारने जैसा सीन होता है। ये रसूलुल्लाह आ रहे खुशी खुशी और कह रहे कि देखो कितना मिलता है मुझसे। तो आयशा कहती है कि मैं तो नहीं देख रही, आपकी कोई भी शबात इसमें नजर नहीं आ रही, कुछ भी मैच नहीं हो रहा आपसे। अच्छा, उस पर फिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमको दिख नहीं रहा कि ये कितना रॉबस्ट और गोरा है? उस पे भी नहीं मान रही आयशा, अम्मी आयशा। वो कह रही है कि मैं कहती हूं कि हूएवर इज फेड विद द मिल्क ऑफ शीप बिकम्स फेयर एंड रॉबस्ट। ये तुम खास इब्राहिम के ऊपर ये बात क्यों डाल रहे हो कि वो गोरा चिट्टा है? किसी को भी आप इसका बकरी का दूध पिलाओगे तो गोरा और अच्छा ही होगा। वो तभी भी नहीं मान रही है। मैं नहीं मानूंगी, याद चली होगी रसूलुल्लाह की। यार इतना कुछ है जिसकी इंतहा को नहीं। बंदा पूछे यार कोई तो इज्जत वाली चीज हो यार तुम्हारे दीन में, कोई तो इज्जत वाली चीज हो, कुछ तो हो के यार पता लगे यार, कोई मजा आया पढ़ के। मगर एनी हाउ जी अब्दुल रोहित भाई, निकाला क्यों मुझे? और निकाल के बोल रहे हो कि मैं खुद निकाल गया। गुस्ताखी नहीं करना है रोहित, गुस्ताखी नहीं करना है, अच्छे से बात करना है, नॉर्मल बात करना है। गुस्ताखी के लिए मैं, गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूँ। थैंक यू। चलिए बात करिए।
निकाला ना, निकालने के बाद बोल रहे हैं कि मैंने खुद निकाल गया। अरे मैंने नहीं निकाला, ए सुन सुन, मैं तो निकालता हूँ, बैक स्टेज किया, दोबारा बैक स्टेज किया, मैंने नहीं निकाला, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जिसकी मैं बजा रहा होता हूँ उसकी मैं रख के बजाता हूँ, ठीक है। अब इज्जत से बात कर, छोड़ बाकी बातें, मैंने तुझे नहीं निकाला, आगे बोल। जी जी, मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ ना जी। देखो भाई, मैं सीधा सा बात है, आप लोग इस्लाम के पीछे मतलब जितना भी पढ़ इस्लाम मुझे मारना चाहता है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। दुनिया की 52 कंट्रियों में से मुर्तद, अपोस्टेसी और ब्लास्फेमी के लॉ खत्म करा दो, मैं इस्लाम पे बोलना बंद कर दूंगा, बस सिर्फ इतना खत्म करा दूं। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आप करवा दो, मैं बोलना बंद कर दूंगा। जिस दिन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा उस दिन मैं भी इंशाल्लाह अपना चैनल बंद कर दूंगा। करवाने का मालिक तो अल्लाह है ना? अल्लाह नहीं है मालिक, साबित कर दो अल्लाह मालिक। हाँ तो अल्लाह ही मालिक है, तुम फिर अल्लाह का हक कहो कि अल्लाह यार कर दो ना, यार कर दो साबित, अल्लाह मालिक है। तो आप बताए ना मालिक कौन है, पहले आप बताए। मैं हूँ। और आप कैसे मालिक, आप कोई दलील? ये जो सूरज उगता है मशरिक से मैं उगाता हूँ, ये जो चांद उगता है मशरिक से मैं उगाता हूँ। दलील क्या है इस बात का? दलील यही है कि मैं उगाता हूँ, अगर तुम्हारा अल्लाह मालिक है तो उसे कोई से मगरिब से उगा के दिखाए। अच्छा ठीक है, आप अभी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप मतलब नहीं, आपका नहीं, मैंने दे दिया है सर, एक सेकंड, मैंने सवाल किया है, अगर तुम्हारा अल्लाह मालिक है तो मान लो कि आपका अब्दुल रोहित सुनो, मैंने तुम्हें एक क्लेम दिया है कि सूरज और चांद को फिर जवाब देना। मैंने तुम्हें क्लेम दिया है सूरज और चांद को मैं मशरिक से निकालता हूँ, अगर तुम्हारा अल्लाह मालिक है उसे को मगरिब से निकाल के दिखाए, क्या जवाब होना चाहिए तुम्हारा इस टॉपिक पे? पहले ये बात करता हूँ। तो फिर आप जब पैदा ले हुए तब किसने निकाला चांद? मैं हमेशा से था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा। ये तो भाई कुछ ज्यादा बोल दिया, जब आप पैदा नहीं हुए तो चांद। मैंने बोला मैं हमेशा से था, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। नहीं नहीं, ये इलॉजिकल बातें छोड़ दो भाई, आप लोग भी इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह करे तो इलॉजिकल, आपका अल्लाह करे तो लॉजिकल। हाँ तो आप बताइए ना, अल्लाह कौन सा इलॉजिकल काम किया? तो एडम साहब कौन सा इलॉजिकल बात कर रहे? हाँ तो एडम साहब तो मतलब जो बातें कर रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने खुदाई का दावा कर रहे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस्लाम का बदनाम करिए इंशाल्लाह। यार बात सुनो, देखो बहस बराए बहस करने का कोई फायदा है? जी जी बिल्कुल नहीं। ओके, मैंने तुम्हें एक क्लेम दिया, इसका जवाब आप मुझे बताओ, ये क्लेम एक स्टूपिड क्लेम है या एक प्रॉपर क्लेम है? कौन सा क्लेम जो मैंने अभी दिया? कौन सा क्लेम दिया आपने बताइए? कि सूरज और चांद को मैं निकालता हूँ अगर तुम्हारा अल्लाह सही है। कुरान में साफ साफ लिखा रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुर रहमानुर रहीम, ये कुरान की आयत है भाई, आप कैसे निकालते हो? तो अल्लाह ही करते हैं ना। जैसे मैंने कुरान से साबित किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी आप भी साबित दीजिए। मैं देखो, तुम्हारे अल्लाह ने तो बोला नहीं है, ये तुम्हारे पास एक किताब है जिसका पता नहीं कहां से आई, किसने लिखी किसने नहीं लिखी, तुम्हारे पास इसका ऑथर भी नहीं है। मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूँ, किधर किसने कहा अल्लाह ने लिखी है? किताब ने, किताब ने कहा ये किताब अल्लाह ने लिखी है, राइट? तो फायदा क्या? मैं कह रहा हूँ एविडेंस क्या है, तुम्हारी किताब कह रही है किताब अल्लाह ने लिखी है, तुम किताब को उसी किताब से साबित कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग सही है? मतलब तो कुरान तो मतलब अल्लाह का ही किताब है ना? किसने कहा है? मैं कहता हूँ पूरे विश्व के लोग कहता है, इसीलिए तो मतलब नहीं कहता। मैं विश्व का लोग हूँ कि नहीं हूँ? अरे भाई, आप लोग जितना भी बदनाम कर लीजिए इस्लाम का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें इंशाल्लाह। यार देखो बात सुनो, एक सेकंड, तुम जो हो ना लेफ्ट राइट बातें बहुत करते हो, एक ही बात को 500 दफा रिपीट करने की तुम्हारी आदत है प्रॉबेबली, ठीक है, मेरी नहीं है। एक बात को 500 दफा करने की जरूरत नहीं है। मेरा सिंपल सवाल है मेरे प्यारे भाई से कि साबित कर दो ये अल्लाह का कलाम है, कैसे साबित होगा? करो साबित। ये तो अल्लाह का ही कलाम है ना, कैसे साबित होगा? तुम्हारे पास एक किताब है, इस किताब को कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करें मतलब? तो भाई तुम्हारे पास एक किताब है, बात सुनो भाई, बात सुनो
तुम्हारा ये क्लेम है कि अल्लाह की किताब है, क्लेम है तुम्हारा? जी मेरा ये क्लेम है। ओके डन, मैं कह रहा हूँ कि इसका एविडेंस दो कि किताब अल्लाह की किताब है। ठीक है, तो आप पहले एविडेंस दो कि अल्लाह की किताब नहीं है, फिर मैं अपना एविडेंस दूंगा। अरे भाई एविडेंस प्रूफ जो आप क्लेम किया है उसका प्रूफ आपको देना होता है ना, तो कुरान अल्लाह की किताब है इसलिए अब इंकार कर रहे हो, तो आप पहले एविडेंस दीजिए कुरान अल्लाह की कलाम नहीं। कुरान कब आया? 1400 साल पहले आया। दुनिया कब बनी? दुनिया कब बनी है कोई मतलब कोई नहीं बता सकता कब बनी। बेहतरीन, इसका मतलब हजारों साल पहले बनी कम से कम। अरे भाई कुरान आया, कुरान से पहले तो और भी किताबें थे ना। पूछ रहा हूँ क्या दुनिया, क्या दुनिया बनने के कई हजारों साल बाद कुरान आया? जी जी। बेहतरीन, तो इसका मतलब है अल्लाह की किताब नहीं है, अगर है तो तुम साबित कर दो। कैसे अल्लाह की किताब नहीं है? कुरान को जमा करने में 22 साल लग गया। ओके, कहाँ लिखा है कुरान को जमा करने में 22 साल लग गए? ये मैं आपको कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दूंगा, मेरे पास है 2-3। अभी मैं स्किम कैसे कर रहे, मैंने कहा है कि कुरान को इकट्ठा करने में 22 साल लग गए, कैसे लगे, किसने कहा है? हदीसों में मिलता है। ओके हदीस दो। जी जी, मैं आपको मतलब हदीस निकाल के मैं फिर से ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है, कि कुरान अल्लाह का कलाम है ये साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। जी फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। जी मैं साबित कर दूंगा। जी ठीक है, मैं सारा एविडेंस लेके मैं फिर से ज्वाइन, सारा एविडेंस लेके प्लीज लेके आइए। बेहतरीन नहीं भाई, लेकिन भाई प्यारे भाई वो 22 साल लगा हो वो आप एविडेंस लेके आ जाना, लेकिन उससे ये कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है ये कैसे साबित होता है? क्या आप कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, आप साबित कर दीजिए ना कि आप लोग मतलब बोल रहे कि कुरान अल्लाह की कलाम नहीं है, कैसे नहीं है? खुदा जो है वो इस तरीके से किसी को अपना कलाम भेजता है ये हम कभी देखते नहीं है। जी जी बिल्कुल, मतलब कुरान में जितने भी आयत है अल्लाह को, भाई भाई सुनो, क्या आपने अल्लाह को देखा है ये भेजते हुए? हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं भाई? एग्जैक्टली, फिर ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि ये अल्लाह की किताब है जब आप उसको देख नहीं सकते? आपने क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म की किताब है सब में मिलावट है, पैसा की नहीं लेना, कुरान में भी मिलावट है, कुरान में भी मिलावट है, प्रूफ में भी मिलावट है, प्रूफ ये है तुम्हारे पास एक भी अर्ली कुरान नहीं है, ये प्रूफ है, तुम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये कि कुरान में मिलावट है, यही तो प्रूफ दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक भी मोहम्मद के जमाने का कुरान नहीं है कि तुम वेरीफाई कर सको कि इसमें मिलावट नहीं है। कुरान तो है, मैं आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाऊंगा, बोलो ना। नहीं है। अच्छा लिसन, अब अब्दुर रोहित, अगर तुम मुझे एक मुकम्मल कुरान दिखा दो मोहम्मद के मरने के विद इन 100 साल का, 100 साल दे रहा हूँ, पूरा एक सेंचुरी दे रहा हूँ, 632 में मोहम्मद मरा, 732 तक के अंदर एक मुकम्मल कुरान दिखा दो, मैं अभी के अभी इस्लाम कबूल करूंगा। और अगर तुम ना दिखा सके, क्या तुम मेरे साथ प्रॉमिस करते हो कि तुम अभी के भी इस्लाम छोड़ोगे? सर तन से जुदा हो जाएगा फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा सर कोई तन से जुदा नहीं करेगा, लेकिन तुम बेवकूफ रहोगे, एक सेपरेट बात है, साहिल साहब ने कह दिया। इसका मतलब साबित हुआ कि तुम्हारे पास एक भी ज़ख़ीफ़ा नहीं है मुकम्मल कुरान का 100 साल के अंदर। है भाई, एक भी नहीं है। नहीं, तुमसे बड़ा झूठा आज तक पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे पास एक मुकम्मल कुरान का ज़ख़ीफ़ा नहीं है। भाई आप ऐसे कैसे झूठा मतलब झूठा आरोप लगा सकते हो? मैं तो मतलब बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बड़े से बड़े उलमा मुफ्ती मौलाना आज तक नहीं दिखा सके, है ही नहीं किसी के पास। हाँ तो फिर आप मतलब अमीर भाई से भागते क्यों? नहीं ला पाया रोहित, ए अब्दुल रोहित कबूतरगिरी बनकर ये बता कि अगर तू नहीं ला पाया, सुन अब्दुल रोहित, अगर तू नहीं ला पाया मुकम्मल कुरान नबी के जमाने का, और एडम साहब ने आपको 100 साल ऊपर भी दे दिए, ठीक है, अगर तू नहीं ला पाया तो क्या करना है फिर तेरे साथ? मेरे भाई मैं मुकम्मल कुरान तो नहीं ला सकता हूँ, मतलब आप लोग अगर तो तूने बोला लेके आएगा क्या जल्दी मारता है अभी खुद बोला मेरे पास है, तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो? अभी फटक से पलटी मार दिया यार। मेरे पास पूरा कुरान का नहीं है,
पर मेरे पास कुछ कुछ मैनुस्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1400 साल मतलब पहले मुकम्मल कुरान नहीं है, तो वही तो जब से एडम साहब तुझे कह रहे हैं कि मुकम्मल कुरान तुम्हारे पास है ही नहीं, अभी जाके ये बात बोलता है मुकम्मल नहीं है मेरे पास, पहले ही बोल देता उनकी बात पे। चलो कुरान जो अल्लाह का कलाम नहीं है कैसे जी, अभी रुको, तुम्हारे पास सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट है, एक पेज, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी आयात है मुझे याद है कौन कौन सी है, तुम्हें याद नहीं होगी, जाकर रिसर्च कर लो। अगर वो कुरान भी जो तुम्हारे पास एक सफा है वो भी आज के कुरान के साथ एग्जैक्ट ना मिला तो क्या करोगे, अब ये बताओ। मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। हेलो भाई, मैंने क्या पूछा, मैंने कहा नहीं मिलता, मैंने कहा अगर ना मिला क्या करोगे। अगर ना मिला तो मिलेगा ना, ना मिलने वाला सवाल ही नहीं आता। ये बंदा तू पूछ ले ये सवाल, शायद तेरी आंसर दे दे, मुझे तो नहीं दे सकता है बंदा आंसर। क्या बोला फिर से, आप क्या बोले फिर से रिपीट करो। मैंने कहा इसके पास एक सफा है विद इन 100 साल के, मोहम्मद की 100 साल के दरमियान एक सफा, ठीक है। मैंने कहा अगर उस सफे में भी जो आयतें लिखी हुई है मुझे पता कौन कौन सी हैं, अगर वो आज के कुरान से ना मिली तो क्या करेगा। समझा क्या, मैं समझाऊं अभी, भाग गया नहीं आ गया वापस। सवाल समझा क्या, मैं समझाऊं फिर से। जी जी बोलिए और एक बार। अच्छा एडम साहब आपसे ये कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास है एक आध पेज का, उसमें जो आयतें लिखी हुई है वो भी अगर आप लोगों के पास जो आज कुरान है उससे मैच नहीं हो रही होगी तो आप क्या करेंगे फिर। देखो भाई, पहले का जो कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें तो हरकत नहीं है ना, जेर जबर पेश ये सब नहीं है। अभी के कुरान में हरकत आ गया तो ये हरकत नहीं मिलेगा, बाकी इंशाअल्लाह जितना भी हरफ है सब कुछ मिलेगा। चलो जी साहिल साहब देखे, जेर जबर पेश की भी गुंजाइश दे देता हूँ, अगर जेर जबर पेश निकालने के बावजूद ना मिला तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई फिर। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, अगर मिलेगा तो आप क्या इस्लाम कबूल कर लेंगे। डन हो गया जी, डन हो गया। लो जी साहिल साहब अब इससे कहना कि एक बाप की औलाद बने, मैं हरूफ डिफरेंट साबित करने लगा हूँ उस मैन्युस्क्रिप्ट के और आज के कुरान के। लो जी साहिल साहब, चलो मेरा बात, चलो आज सुनिए। हाँ सुन लिए, आपने कहा कि आप इस्लाम छोड़ोगे। जी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मिल गया तो क्या आप लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। सर जो कहेगा वो करूंगा, और बता ये पूरा लाइफ में प्रॉमिस करिए। सर प्रॉमिस कर दिया, कह तो दिया जो कहेगा वो करूंगा। तू कहेगा नंगा डांस कर, मैं नंगा डांस करूंगा, और बता। नहीं नहीं, नंगा डांस करने की जरूरत नहीं है, बस तो जो कहेगा वो करूंगा, वो तू बाद में कहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। अरे भाई मुझे कहा तो है जो कहेगा वो। यार क्यों बोलता जा रहा है तू, अब क्यों बोलता जा रहा है, बात खत्म हो गई यार। जी जी ठीक है, मैं ला रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब तू ला रहा है, मेरे पास है बेटा। क्या बात, तू कहाँ लाएगा, तू क्यों लाएगा, तू कहाँ से लाएगा, तेरे पास है ही नहीं। मैं ला रहा हूँ, छुरी थल्ले साल है। अरे भाई इज्जत से, वरना हम अगर बिगड़ गए ना तो संभाल नहीं। अरे बिगड़ नहीं, अभी तेरा ईमान छूटेगा यार, थोड़ा सबर कर, अभी थोड़े देर में तो इंसान बनेगा, रुक जा। ठीक है, फिर हमसे मोहब्बत करेगा तू, टेंशन मत ले, तेरा दिमागी अपंग ले आऊं, ताकि जो है ना इसको नजर भी आए और एडिटिंग भी कर सके हम, ताकि इन्हें एग्जैक्टली नजर आए। एक सेकंड जी, एडिटर खोलते हैं इस पे। वल्ला हबीबी साहिल साहब, इन्होंने कहा कि हरकात के अलावा साबित करना है मैंने कि ये सेम है, राइट। हरकात के अलावा साबित करूंगा, हरकात के अलावा साबित करूंगा मैं, हरकात को छोड़ के ये साबित करना है सेम नहीं है आज के कुरान से। हाँ हाँ ऑब्वियसली यार, ये तो देखे ना, ये जनाब जूम करते हैं इसको, जूम करते हैं इसको, जूम करते हैं, ये जूम में ये क्यों खराब हो रहा है यार, एक सेकंड। ये यार बड़ा गंदा काम है, इसको पेंट ब्रश में खोलता हूँ। रुको यार भाई लोगो, एक सेकंड यार, ये मुझे पेंट ब्रश में खोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकूंगा, रुक जाए। ओके यस, पेंट ब्रश जिंदाबाद। यार छड़ी थल्ले साल है तू,
ओके तूने क्या लाना है डंगर, तेरे पास इस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से मैंने दिखाना है। लो जी राइट साइड पे आपका मैन्युस्क्रिप्ट का कुरान है, लेफ्ट साइड पे आपका आज का कुरान है। लफज बाय लफज हमने चीजें लिखी हुई हैं। लाइन नंबर 2 में देखते हैं और लाइन नंबर 3 में देखेंगे। लाइन नंबर 2 में पहला लफज है ये देखें, ये जनाब यहां पे मुझे साबित कर दें आप, ये ले लाल लाल रंग में मैंने डाल दिया है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रन टाइम के ऊपर दिखा रहा हूं, ये आपका मैन्युस्क्रिप्ट है और इस साइड पे आपका आज का कुरान है। मैं आपको इसके अंदर 34 डिफरेंसेस दिखा सकता हूं। अभी पहला दिखाया, पकड़िए, छोड़ इस्लाम ना भाई। अब्दुल रोहिद जी, जी ये स्क्रीन को बड़ा कर देख रहा हूँ, जितना मर्जी बड़ा कर ले मेरी। ये तो बहुत पुराना है ना, इसमें जो बाकी सारे आयते हैं आप मिला लो। डंगर सुन आप, नहीं डंगर इज्जत डंगर सुन, इसके अलावा पहले 100 सालों में इसके अलावा कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? ये बर्मिंघम कुरान है जो कि असल में मोहम्मद से भी, मोहम्मद के पैदा होने से भी 50 साल पहले का। आप मुझे स्क्रीन शेयर, मतलब शेयर कैसे करते हो? स्क्रीन शेयर किया हुआ है, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ये आज के कुरान और उसके कुरान की आयतें साइड बाय साइड है। तू मुझे जी जी मैं साबित कर दूंगा यहाँ पे, मैं कैसे स्क्रीन शेयर करूँ बताइए, मुझे आता नहीं है। कंप्यूटर पे है? नहीं नहीं मोबाइल में हूँ। मोबाइल से नहीं होता भाई, कंप्यूटर पे से आ जाए। मोबाइल से नहीं होता, चलो ठीक है मैं कल आऊंगा लैपटॉप से। कल क्यों आऊंगा, यहाँ पे सामने है, भाग क्यों रहा है? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ लैपटॉप से। अरे आप लोग कुछ भी, अरे आप लोग मतलब कुछ भी, मैंने उसको एडिट साले कुत्ती का बच्चा, बगैरत इंसान, हराम खोर, दो अब मैंने निकाला तुझे पागल। मैं इस्लाम छोड़ूंगा, तुम लोग हमेशा इसी तरीके से करोगे, हरकत नहीं है। मैंने कहा हरूफ में फर्क दिखाता हूं, 34 फर्क दिखाता हूं तेरे को, बेगैरत लोग। साहब क्या करें इन लोगों की बेगैरती का यार, ने अभी मौका था ना, उसको बताना चाहिए था। नहीं कहता नहीं मैं अपना लाऊंगा, मैं अपना लाऊंगा, कंप्यूटर से आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। यार सामने तुम्हें दिखा दिया है, बर्मिंघम के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है पहले 100 साल का, और यही 2 सफे है तुम्हारे पास। एक ये नहीं है, 2 सफे टोटल, ये 1 सफा मैंने दिखाया था, 2 सफे है तुम्हारे पास टोटल। बगैरती की इंतहा है जी ये लोग, बगैरती की इंतहा है। अली शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुसलमान है सर, आवाज आ रही है? क्या रही है? हेलो यार, अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं जितना मर्जी बोलूं आवाज आ रही क्या फर्क पड़ेगा? आ रही आवाज आ रही। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। क्या बोलना है सर? क्या बोलना है यार, इतना नफरत फैला रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? नफरत तो मोहम्मद ने फैलाई है, मालूम है तुम लोग को, आखिरत की मालूम पड़ेगा। और तुम लोग अगर हिम्मत बताओ, सामने आओ सामने आओ, ऐसा कुत्ते की मौत मारूंगा तुम दोनों को। यार बात सुन, तू कुत्ते की मौत तो कुत्ते को नहीं मार सकता भैनचोद, तेरे नबी को अल्लाह ने ऐसी कुत्ते की मौत दी कि पॉइजन जहर के असर से मरता रहा, चल नहीं सकता था, लोग उठा उठा के चलाते थे। आखिरी मौके पे उसने कहा बर्तन ला दो, मूता और मर गया। तुम हम लोगों को क्या कुत्ते की मौत मारोगे? और हम लोग कौन सी नफरत फैला रहे हैं जो तुम्हारे नबी ने इसको बताने बोलो। कैमरा चल, कैमरा ऑन कर और एड्रेस बता, आते हैं तेरे घर। देख कैमरा ऑन कर, एड्रेस बता, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, एड्रेस बता, ताकि तेरी शक्ल नजर आए ना। बगैर दिखा देता हूँ ना, अपना दिखा, तू धमकी तू देने आया तो अपना तो दिखा ना फिर, हमारा भी देखी। कैमरा ऑन कर, बोला महाराष्ट्र में हो तू,
हाँ महाराष्ट्र में ही आ जाऊंगा भाई, कैमरा ऑन कर एड्रेस दे। हाँ कैमरा ऑन कर, आधार कार्ड दिखा, मैं पहुंच रहा हूँ उधर, कल आता हूँ तेरे पास। दिखा आधार कार्ड, दिखा ना, लाइट जला, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन करना कैमरा। मैं क्यों मेरा चेहरा दिखाऊं, मैं क्यों कैमरा दिखाऊं, मैं क्यों कैमरा दिखाऊं, तूने मारना साले चूतिए, पैदा तो हो ले पहले, बेगैरत लोग, हराम खोर। और हम नफरत नहीं फैलाते, नफरत नबी ने फैलाई है तुम्हारे। ये देखो सूरह चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 144, काफिरों से दोस्ती करना आग से दोस्ती करने के मुतरादिफ। तुम लोग काफिरों से दोस्ती नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते, लिखा हुआ नफरतें हम पे ला रहे हैं। शेयर करो यार स्ट्रीम को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आज हम जो चीजें दिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी है हमारे प्यारे नबी की, आका दो जहां की, सर्वरे कायनात की, तो ये लव स्टोरी है। और लोगों को गुस्सा क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं वो चीजें दिखा रहा हूं जो इनके मुल्ला मौलाना कभी नहीं दिखाते, और ये इनकी सही कुतब के अंदर लिखी हुई है, सही कुतब के अंदर लिखी हुई है, दैट इज व्हाई इसलिए गुस्सा चल रहा है इन लोगों को। मिस्टर मुस्लिम, ओ यार ये जरा स्क्रीन कवर कर ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर मैं ठीक हूँ सर। अच्छा मैं कह रहा था यार, अगर आपने कोई जानवर खाना हो आप किस तरह खाएंगे? अगर आपको इस्लाम इस्लाम में बताते हैं ना, आप तो शेर मार के खा जाएंगे, मतलब अगर आपको मतलब ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे तो आप सर आप खा जाएंगे। तो सर आप लोग गधे खा सकते हैं ना? मैं गधे नहीं खाता। नहीं गधे कहाँ खा सकते हैं, किसने कहा नहीं खा सकते? अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमारे प्यारे नबी गधे खाते थे तो क्या करेंगे? नहीं लेकिन मैं आपको एक हदीस दिखा सकता हूँ, मिश्कात अल मसाबी 4089, जिसमें उन्होंने मना किया कि एक तो उन्होंने मतलब बताया कि कार्निवोरस बीस्ट मना किया था खाने से, ठीक है, गधे की बात कर रहे हैं जिनके क्लॉज होते हैं। सर मैं गधे की बात कर रहा हूँ ना, गधा गधे के क्लॉज नहीं होते ना। मोहम्मद गधे खाता था कि नहीं खाता था, सिर्फ ये बता दें। नहीं लेकिन उन्होंने बाद में मना तो कर दिया ना, उन्होंने फॉरमेट कर दिया था जो एक सेकंड डोमेस्टिक डोंकी का मना किया था, लेकिन हमारुल वैशी का मना तो नहीं ना किया ना। हमारुल वैशी यानी जंगली खोता, जंगली खोता तो आप खा सकते हैं, ज़ेब्रा खा सकते हैं, ज़ेब्रा। अबे और डंगर, ज़ेब्रा ज़ेब्रा को अरबी में हमारुल वैशी नहीं कहते, ज़ेब्रा खा सकते हैं इन लोग के वहां पर। लो भाई आज तक जितने नॉन मोमिन हजरात है और मोमिन हजरात है, क्या आप लोगों को पता था जेब्रा भी खा सकते हैं आप लोग? ये देखो यहाँ पे आके सब पोल पट्टी खुलती है, जेब्रा भी खा सकते हैं। डोंकी है ना, जंगली डोंकी है, इसलिए उसे कहते हैं जेब्रा। जंगली डोंकी खा सकते हैं ना, तो जेब्रा नहीं होता जंगली डोंकी। जंगली डोंकी हमारा होता है, हमार का मतलब डोंकी, और वैशी का मतलब वैशी, यानी कि जो जो जंगली है, ठीक है, दैट्स इट। और मोहम्मद ने खुद खाया, ये देखें, वही जो खोते का मीट है उसका फोर लेग मोहम्मद को लाके दिया उस बंदे ने। सो वी प्रोसीडेड एंड आई हिट द वन ऑफ द फोर लेग ऑफ द डोंकी। व्हेन वी मेट अल्लाह मैसेंजर, ही आस्क्ड हिम अबाउट द केस, ही आस्क्ड डू यू हैव अ पोर्शन ऑफ इट, क्या तुम्हारे पास है? तो वो फोर लेग का गोश्त दिया। आई अफर्मेटिव एंड गेव हिम द फ्लेशली फोर लेग व्हिच ही एट कंप्लीटली व्हाइल ही वाज इन द स्टेट ऑफ इहराम। मोहम्मद ने खोते का गोश्त खाया है, और खोते को वहीं पे सऊदी अरेबिया में पकड़ा था उन्होंने बाजार में से। सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान में जीवरे नहीं होते, खोते ही होते।